हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरी आवाज आ रही है? प्रॉपर आवाज क्लियर आ रही है? जरा देख के बताइए। आप लोग सोच रहे होंगे ऑडियो तो वही है, वीडियो चेंज हो गया। तो कैसे हो आप सभी लोग? एक्चुअली पास्ट कुछ दिनों में काफी ज्यादा बिजी थे। थोड़ा सा अभी ये जो कोरोना की वजह से जो मजदूर हैं उन लोगों की सेवा में भी लगे हुए थे, उनको खाना वगैरह पहुंचाना, खाना डिलीवर करना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते थे। और दूसरा जो अभी आपने कोविड का देखा है, इसमें कुछ रिसर्च पेपर बनाने में भी काम चल रहा था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। तो बहुत ज़्यादा बिजी थे तो इस वजह से आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो अब मैंने सोचा कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? कोई डिस्टरबेंस है क्या? और तीसरा रीजन ये था, ये जो डिवाइस थी, पुरानी वाली डिवाइस, वो हमारे पास थी नहीं, वो खराब हो गई थी। तो ये नई डिवाइस जो है वो भी कल अमेजोन से कल ही आई। आपको याद हो तो मैंने ग्रुप पे डाला था कि ये डिवाइस जिस यदि मिले तो आप बताना। तो ये सारे तीन चार रीजन थे जिसकी वजह से क्लास नहीं लग पा रही थी। चलो कोई बात नहीं, अभी अपने पास बहुत टाइम है। और आपको मालूम है कि और आपकी केमिस्ट्री कैसी चल रही है? सब कुछ आप पहले मुझे बताइए कि आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है ऑडियो वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा इस डिवाइस को भी चेक करना है, बिल्कुल नया डिवाइस है। तो उसमें लिख के भेजिए ऑल क्लियर। चलिए अब पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ, जैसे अब आपको क्या आपका रूटीन रखना है, आपने अपने मन से काफी दिन कुछ कर लिया होगा, पढ़ाई कैसी चल रही है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो एक काम वो आपको करना है कि जो पेपर्स आपको पहले भेजे गए उन पेपर्स को आप दोबारा करना स्टार्ट करो। समझ में आ गया? स्टार्टिंग से मतलब कहाँ से करोगे? डाइवर्सिटी से। समझ में आ गया? डाइवर्सिटी से आप सारे जो पेपर्स हैं ये आप वो उनको करना स्टार्ट करो। समझ में आ गया? तो आपका होमवर्क है कि आप प्लांट डाइवर्सिटी को पढ़ोगे, और प्लांट डाइवर्सिटी में कौन सा पार्ट? लिविंग वर्ल्ड और मोनेरा, इस पार्ट को आज आप पढ़ोगे आज घर जाके, और उसके जो पेपर्स हैं आज आप उसको सॉल्व करोगे। समझ में आ गया? और दूसरी चीज़ देखिए, अभी जैसे आपको याद हो तो एक बार हमने क्लास में साधना करी थी, मैंने आपको बोला था कि आगे आने वाला टाइम काफ़ी डेंजरस है, यदि आपको याद हो तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अभी ये जो 1 मंथ है, समझ में आ गया? ये भी कुछ वैसा ही है, मतलब 22 मई से लेकर 22 जून तक, ये भी जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाला टाइम है। समझ में आ गया? काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने हैं, उथल पुथल होने हैं, कि जो नेचर की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो आप लोग रोज शाम को 7 बजे, एग्जैक्टली शाम को 7 बजे आप लोग दुर्गा सप्तशती करिए। और दुर्गा सप्तशती कितनी पावरफुल, आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म की आप जो है उसको साधना को करिए। समझ में आ गया? तो आप दुर्गा सप्तशती करिए, जैसे अभी आपने देखा रेणु धर्मवंशी मिराकुलसली रिलीफ मिला, उसको 4-5 दिन में कोई रिकवर होता नहीं, उसकी पूरी फैमिली रिकवर हो गई है। समझ में आया? तो इसीलिए आप इसको करते रहिए, और शाम को 7 बजे, आप एग्जैक्टली 7 बजे आप दुर्गा सप्तशती करिए। और दुर्गा सप्तशती करने के बाद उसकी ऊर्जा आप क्या करोगे? आप भगवान सूर्य को समर्पित करोगे। आप क्या बोलोगे कि आज की साधना का फल मैं सन को समर्पित करता हूं। समझ में आ गया? तो इतना काम आप करोगे। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। साधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साधना से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मुझे बताइए, सब कुछ क्लियर है ना? स्टार्ट करें? चलिए, तो लास्ट क्लास में कुछ याद है या भूल गए? चलो, तो लास्ट क्लास में हमने वर्टिब्रेटा पढ़ा था, याद आ रहा है? तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? वर्टिब्रेटा। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताइए जरा, इस वर्टिब्रेटा में हमने क्या देखा था? हमने इसकी 2 क्लास देखी थी, याद आ रहा है? 2 सुपर क्लास देखी थी। एक हमने देखी थी जिनमें जॉ नहीं था, एक गनेथोस्टोमेटा और दूसरा था गनेथोस्टोमेटा, याद आ रहा है? एक जो थे वो कैसे थे? विदाउट जॉ, हमने क्या बोला था? विदाउट जॉ। और दूसरे क्या थे? विथ जॉ।
मतलब इनमें सभी में क्या प्रेजेंट होगा? जबड़ा प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया? इन सभी में क्या प्रेजेंट होगा? जबड़ा प्रेजेंट होगा। पूरा क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी हमने एक क्लास पढ़ी थी साइक्लोस्टोमेटा। क्या पढ़ा था हमने? साइक्लोस्टोमेटा, मतलब उसका माउथ कैसा था? स्फेरिकल, इस तरीके से गोल माउथ था। याद आ रहा है हमने इस तरीके से इसकी बॉडी बनाई थी? और ये आपको याद है ये क्या होते थे? सारे एक्टोपैरासाइट होते थे। किसके ऊपर? फिश के ऊपर। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए, जिनके ऊपर जॉ होते हैं, जिनके पास जॉ होते हैं, उसको भी हमने किस पर डिवाइड किया है? दो सुपर क्लास में। एक थी पाइसिस और दूसरा क्या था? टेट्रापोडा। क्या था आप मुझे बताइए जरा? टेट्रापोडा, मतलब जिसके पास आप मुझे बताइए क्या है? चार पैर हैं या दो हाथ दो पैर हैं, उसको हमने क्या बोला था? टेट्रापोडा। याद आ रहा है? सब चला गया दिमाग से? समझ में आ गया? बाल बाल कटवा लो, खुद ही काट लो, नहीं तो मेरे जैसे। समझ में आ गया? क्योंकि अभी नाई जो है ये समझ लो बार-बार जो है वो आपको 3 महीने तो नहीं मिलना, और मिल भी गया तो जाना मत, क्योंकि अभी वो बहुत इन्फेक्शियस जगह है और अगले 1.5 महीने में इन्फेक्शन जम के बढ़ना है। तो इसीलिए कोशिश करो, जाओ मत, खुद ही काट लो, लुक्सा टेम्परेरी, सब कुछ वो जो है अपने आप ठीक हो जाता है। तो आप मुझे बताइए पाइसिस और टेट्रापोडा, क्लियर है? फिर आप मुझे बताइए, इन दोनों में हमने एक मेजर डिफरेंस देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमने इसमें क्या बोला था कि इसमें जो नोटोकॉर्ड है, याद आ रहा है? इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो क्या होगा? परसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? परसिस्टेंट, मतलब थ्रू आउट द लाइफ। कैसा होगा? थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन काल में क्या प्रेजेंट होगा इसमें? नोटोकॉर्ड। बट यहां पर आप मुझे बताइए जरा, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय क्या हो जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, याद आ रहा है आपको? इतना याद है? अब आप मुझे बताइए, इसका हमने एक एक्सेप्शन भी देखा था, याद है? हमने इसका बोला था एक्सेप्ट, हमने बोला था एक्सेप्ट पाइसिस। यहीं से ये हमारी पूरी क्लास स्टार्ट होती है, समझना जरा। हमने क्या बोला? एक्सेप्ट पाइसिस। पाइसिस का मतलब ये काली क्लास हो गई। पाइसिस में क्या आती है? ऑल आर फिशेस, जितनी भी मछलियां हैं। समझ में आ गया? वही मछली जल की रानी है, वो सब किस में आएगी? पाइसिस में। पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो आप मुझे बताइए, ये जो है गनेथोस्टोमेटा, इसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से एक्सेप्ट पाइसिस, मतलब पाइसिस में नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस नहीं होता। इसका मतलब पाइसिस में भी वर्टिब्रल, सॉरी, जो नोटोकॉर्ड है वो क्या होता है? परसिस्टेंट। चाहे पाइसिस की कोई भी क्लास क्यों ना हो, चाहे वो कॉन्ड्रिक थीस हो, चाहे वो ऑस्टिक थीस हो, दोनों में ही आप मुझे बताइए कौन सी कंडीशन होगी? तो पाइसिस में ये वाली कंडीशन होगी या ये वाली कंडीशन होगी? पाइसिस में ये वाली कंडीशन होगी कि नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट होगा थ्रू आउट द लाइफ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या भूल गए सब कुछ? जल्दी से मुझे बताओ जरा, इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, क्लियर है? किसी को डाउट हो तो फटाफट पूछ लो। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइसिस। आपको पता पाइसिस एस्ट्रोलॉजी में एक वो भी होती है ना, राशियां वगैरह होती है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मीन। क्या बोलते हैं? मीन। मीन मतलब क्या होता है? मछली। समझ में आ गया? क्या मतलब होता है? मछली। तो इसका मतलब आप मुझे बताइए जरा, आपने सुना होगा ना उसमें आज तक वगैरह में, रोज सुबह बैठे जाते हैं मीन राशि वाले जातकों का ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये वही हम उस पाइसिस की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले पाइसिस की नहीं, मछली वाले पाइसिस की। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? ऑल आर ट्रू फिश। क्या हो जाएंगी? चलो हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्या बोलेंगे हम? ऑल आर ट्रू फिश। अब ट्रू फिश है क्या मतलब है? इसका मतलब ट्रू फिश की भी कोई क्वालिटी होगी? बिल्कुल होगी। तो ट्रू फिश जो है उसको हम दो फीचर होना चाहिए, दो कैरेक्टर होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रू फिश। समझ में आ गया? पहला कैरेक्टर होता है स्केल्स। आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो यहां पर हम मछली को बना रहे हैं इस तरीके से, ये मान लीजिए हमने मछली को बनाया, तो आपने देखा होगा ना इस तरीके से उसमें ऐसे दिखते हैं,
देखा है कि नहीं देखा, मैंने एक अभी डायग्राम देखा था उसमें आप देखना जरा इस तरीके से जो है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्केल्स। समझ में आ गया क्या बोलते हैं, स्केल्स। तो सभी में क्या होते हैं, स्केल्स। पूरा क्लियर हो गया। फिर दूसरी तरफ पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स। अब देखो जरा फिन्स क्या होगा आप मुझे बताइए जरा। ये तो मान लीजिए अभी हमने क्या बनाया था इस तरीके से, ये क्या हो गए फिन्स, ये आप मुझे बताइए क्या हो गए फिन्स। तो देखिए पेयर हो गए, एक यहां एक यहां, तो ये क्या हो जाएगा पेयर्ड फिन्स। तो आप मुझे बताइए जरा ट्रू फिश के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। जो ट्रू फिश है उसमें दो चीजें होंगी, पहले होगी स्केल और दूसरा क्या होगा पेयर्ड फिन। फिर से बताइए क्या होगा स्केल और क्या होगा पेयर्ड फिन। अब स्केल क्या होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, सब हम डिटेल में देखेंगे। समझ में आ गया, थोड़ा सा इसके बारे में हमको डिटेल में देखना है। चार टाइप के फिन इसमें जो स्केल्स होते हैं वो हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कैटफिश। समझ में आ गया, एक्सेप्ट कैटफिश बिल्कुल चिकनी होती है। समझ में आ गया, बिल्ली जैसी। समझ में आ गया बिल्कुल क्या होती है आप मुझे बताइए, स्मूथ। मैंने एक फोटो भी भेजी आप देखना जरा कैटफिश की। तो कैटफिश जो होती है उसमें स्केल्स नहीं होते। और कौन होता है, इलेक्ट्रिक फिश, इलेक्ट्रिक फिश। समझ में आ गया, जिससे करंट लगता है। क्लियर हो गया, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होती है इलेक्ट्रिक फिश। तो इतना क्लियर हुआ, तो आप मुझे बताइए जरा पाइसिस के अंदर कौन आते हैं। सारी की सारी ट्रू फिशेस आती है और ट्रू फिशेस के कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, उनमें स्केल होगा और पेयर्ड फिन्स होंगे। क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से मुझे बताओ। अब मुझे बताओ इस स्केल का फंक्शन क्या होगा, बताओ जरा। आपने मछली को छू के देखा होगा, समझ में आ गया, खाई भी होगी। तो आप मुझे बताइए जो उसमें स्केल्स होते हैं वो स्केल्स क्या फंक्शन होगा, सोच के बताओ जरा। कोई डाउट तो नहीं है, बताइए जरा जल्दी से, कोई डाउट है। हो गया पूरा क्लियर, कोई बताएगा जल्दी बताइए इसमें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केल्स। आपने मछलियां देखी भी हैं, खाई भी हैं, समझ में आ गया, खाई भी होंगी खूब चबा चबा के। तो आप मुझे बताओ जरा उसमें जो स्केल्स होते हैं वो स्केल्स का फंक्शन क्या होता है। बॉडी को पानी में गलने से बचाता है, टू चेंज डायरेक्शन, टू चेंज डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, हाइड्रोडायनेमिक्स में मदद करता है। और दूसरा, दो फंक्शन होते हैं। आप मुझे बताइए जैसे हम मछलियाँ होती हैं, मछलियों को बहुत सारे बड़े जो वहाँ पर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी खाते हैं, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होती हैं वो भी खाती हैं। तो इस स्केल की मदद से, अब जैसे मान लीजिए स्केल का जो है वो कलर ऐसा होता है कि वो आसानी से कहीं पर भी छिप जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैमोफ्लाज। जैसे आपने देखा होगा ना गिरगिट को, तो गिरगिट आप मुझे बताइए जिस इन्वायरमेंट में बैठा हुआ है वैसे कलर का वो हो जाएगा। यदि वो लकड़ी पर बैठा हुआ है तो लकड़ी के कलर का हो जाएगा, यदि वो ग्रीन लीफ के बीच में बैठा हुआ है तो ग्रीन हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो आर्मी वाले होते हैं वो भी क्या होते हैं कि जब जाते हैं लड़ने के लिए, तो यदि वो मान लीजिए क्या बोलते हैं बिल्कुल जंगलों में जा रहे हैं तो उस हिसाब से वो ड्रेस पहनते हैं। देखा है ना आपने, बहुत सारी मूवीज आई हैं। तो आप मुझे बताइए स्केल्स क्या करता है, दो काम करता है। पहला फंक्शन होता है इसका कैमोफ्लाज। क्या फंक्शन होता है, कैमोफ्लाज। मतलब जो सराउंडिंग है उससे छुपने में, उसके साथ मिक्स होने में मदद करता है। और दूसरा हाइड्रोडायनेमिक्स। क्लियर हो गया, हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब पानी में तैरने में, इधर उधर जाने में क्या है ये मदद करता है। तो स्केल्स के फंक्शन आपको समझ में आ गए, पूरा क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो। फिर हम क्या करते हैं, जनरल फीचर्स पढ़ते हैं हम किसके, आप मुझे बताइए सारी फिशेस के। पूरा क्लियर हुआ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ऑस्ट्रिच थीस हो, कॉन्ड्रिक थीस हो, कोई भी क्यों ना हो, हम उसके पहले जनरल फीचर्स पढ़ते हैं। कर दो इसको क्लीन, कोई डाउट आया तो पूछते जाना। चलिए तो अब हम देखते हैं पाइसिस। आपको याद है पाइसिस के हमने दो क्लास देखी थी, कौन कौन सी देखी थी, एक हमने देखी थी कॉन्ड्रिक थीस,
और दूसरी हमने देखी थी ऑस्टिक थीस। याद आ रहा है हमने दो क्लास के नाम याद किए थे, कॉन्ड्रिक्टिस ऑस्ट्रिक्टिस। बट आप मुझे बताइए ये दोनों ही क्या होंगी, दे ऑल आर ट्रू फिश। क्या होंगी, ऑल आर ट्रू फिश। तो आप मुझे बताइए जरा हम इनके कॉमन फीचर्स देख लें, क्या क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहला फीचर क्या होगा, मछलियों का कॉमन फीचर क्या होगा, मछली जल की रानी है, इसका मतलब ऑल आर एक्वेटिक। समझ में आ गया, सभी क्या होंगी, एक्वेटिक। अब आप मुझे बताइए ज्यादातर जो मछलियां होती हैं उनका जो शरीर की बनावट होती है वो कैसी होती है, आप मुझे बताइए। इस तरीके से होती है, इस तरीके से मछली होती है, इस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। समझ में आ गया, क्या बोल देते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी। तो मछलियों का आप मुझे बताइए कॉमन कैसा होगा, कैसी बॉडी होगी इसकी, स्ट्रीम लाइन, क्या बोलेंगे हम, स्ट्रीम लाइन बॉडी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट पूछो, कोई डाउट आया क्या। प्रेजेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो ये आपको पूरा क्लियर हुआ, ऑल आर एक्वेटिक स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब आप मुझे बताइए जरा, फिर हम मछली की और बात करते हैं, क्लियर है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मछली में क्या होगा, गिल्स। कोई भी मछली क्यों ना हो सभी में क्या होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे। किसके लिए, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। समझ में आ गया, क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो जल्दी से बताइए, पाइसिस की हमने दो क्लास देखी, कॉन्ड्रिक्टिस ऑस्ट्रिक्टिस, दोनों ही क्या है, ट्रू फिश है। तो पहले हम ट्रू फिश के कॉमन फीचर देख लेते हैं, सभी पानी में रहती हैं, सबकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, सीधी ऐसी लंबी बॉडी होती है। रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। किसी को डाउट आया तो पूछो, कोई क्वेश्चन दिख रहा है नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, हो गया पूरा क्लियर। चलो अब इसके बाद हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हार्ट। समझ में आ गया, इसका दिल, मछली में भी दिल होता है, समझ में आ गया। अब आप जरा ध्यान देना कैसा होता है, टू चेम्बर्ड, कैसा होता है, टू चेम्बर्ड। इसका मतलब इसमें क्या होगा, वन ऑरिकल प्लस वन वेंट्रिकल। अब आपको याद आ रहा हो तो हमारी बॉडी में टू ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स होते थे हमारे हार्ट में। आप मुझे बताओ, राइट साइड में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता था, लेफ्ट साइड में पूरा ऑक्सीजनेटेड होता था, दोनों अलग अलग होते थे। अब लेकिन यहां पर क्या है, आप मुझे बताइए, एक ही चेंबर, मतलब एक ही, आप मुझे बताइए, साइड है, एक ही ऑरिकल है, एक ही वेंट्रिकल है। तो इसका मतलब क्या, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में अलग अलग होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इसका मतलब आप मुझे बताइए यहां पर जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड होगा, आप मुझे बताइए जरा जल्दी से बताइए। यहां पर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो हार्ट, थोड़ा ध्यान से समझना ये पॉइंट, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी, जिनके हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई होता है, केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, ऐसे को हम वीनस हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए जरा, वीनस हार्ट। अब वीनस हार्ट कैसे वर्ड आ रहा है, वीनस वर्ड बना हुआ है वेन से, इसका मतलब वेन का ही मोटा फॉर्म। आप मुझे बताओ, वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो यहां पर हम वीनस ब्लड बोल रहे हैं, वीनस हार्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब हार्ट के अंदर भी कैसा होगा, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हो गया पूरा क्लियर। अब ये जो इसका हार्ट होता है, इसका शेप होता है एस शेप्ड। कैसा होता है, एस शेप्ड हार्ट। क्लियर हो गया, कैसा होगा, एस शेप्ड हार्ट। पूरा क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया, एस शेप का इसका क्या होता है हार्ट। जैसे मान लीजिए यहां पर हम बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इसमें क्या होगा, ऑरिकल, इस तरीके से क्या होगा, वेंट्रिकल। ये हमने बना दिया ऑरिकल, ये हमने बना दिया वेंट्रिकल। तो कुछ इस तरीके से दिखता हुआ इसका क्या होता है हार्ट। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आप मुझे बताइए, जैसे मान लो यहां पर तो मैंने क्या कर दिया, हार्ट बनाया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर मैं बना रहा हूं टिश्यू, क्या बना रहा हूं यहां पर, टिश्यू।
अब आप मुझे बताइए जरा, टिश्यू को यदि जीवित रहना है, टिश्यू मतलब सेल से एक कलेक्शन, अब आप मुझे बताइए जरा, मान लो ये मछली की बॉडी का कोई एक टिश्यू है, तो इसको यदि जीवित रहना है तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ इसको ग्लाइकोलिसिस करना पड़ेगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रैब साइकिल करना पड़ेगा, क्रैब साइकिल के बाद ETS करना पड़ेगा, इन सभी के लिए इसको किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन, किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन। अब बट ये हार्ट जो है वो तो कैसा सप्लाई कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, तो अब क्या करें, तो जरा ध्यान से समझिए, यहां पर कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। अब यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाएगा, गिल्स के अंदर, कहां पर जाएगा आप मुझे बताइए जरा, गिल्स के अंदर, कहां पर जाएगा, गिल्स के अंदर, और जब गिल्स के अंदर जाएगा तो यहां से आप मुझे बताइए क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन, क्लियर है, क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। तो अब आप मुझे बताइए जरा, ब्लड जो है वो सबसे पहले कहां गया, हार्ट से गिल्स में, जैसे हमारे आप मुझे बताइए कहां जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट साइड से वो कहां जाता है, लंग्स में, अब यहां पर लंग्स की जगह क्या प्रेजेंट है, गिल्स, तो कहां पर जाएगा, गिल्स में। अब जब ये गिल्स से जाएगा तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो आप मुझे बताइए जरा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए जरा, ये जो टिश्यू है इन टिश्यूज से अब वापस कौन सा ब्लड बन गया, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, इसने क्या किया, उसको यूज कर लिया, अब इसको कहां पर पहुंचाना है, वापस हार्ट के अंदर, कहां पर पहुंचाना है, हार्ट के अंदर, थोड़ा आप ध्यान से समझना, ये हमने हार्ट के अंदर पहुंचा दिया। तो आप मुझे बताइए जरा, यहां से कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, यहां पर भी कौन सा आ गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब आप जरा ध्यान देना, हमने जो सर्कुलेशन पढ़ा था, देखो यहां पर पाइसिस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। अब आप जरा याद करिए, जब हमारी बॉडी में हमने देखा था, चलो इसको क्लीन कर दूं, तो आप जरा ध्यान देना, देखिए आप जरा ध्यान देना, हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, ये हमने बना दिया राइट ऑरिकल, ये हमने बना दिया लेफ्ट ऑरिकल, ये हमने बना दिया राइट वेंट्रिकल, ये हमने बना दिया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप मुझे बताइए जरा, सपोज करिए ये मैंने बना दी बॉडी, क्या बना दी मैंने, बॉडी। अब बॉडी से क्या हुआ, ब्लड रिसीव हुआ, कौन सा ब्लड रिसीव हुआ, आप मुझे बताइए जरा, डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड रिसीव हुआ, डीऑक्सीजनेटेड। अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पर जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, लंग्स में जाएगा, तो यहां पर हम बना देते हैं लंग्स, ये हमने क्या बना दिया, लंग्स बना दिया, इस तरीके से याद आ रहा है, कहां पर जाएगा, लंग्स में। अब जब ये लंग्स से निकलेगा तो आप मुझे बताइए ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाएगा, आप मुझे बताइए, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, कहां पर जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। अब आप मुझे बताइए, ये जो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब यहां से कहां पर जाएगा, बॉडी में जाएगा, कहां पर जाएगा, बॉडी में। तो अब आप जरा थोड़ा सा ध्यान देना, ब्लड चला कहां से था, चलो हम मान लेते हैं चला था बॉडी से, समझ में आ गया। तो मान लो ये बॉडी से चला, ब्लड यहां से चला, क्लियर हो गया, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, एक बार इसने हार्ट को पास किया, समझ में आ गया, हार्ट को एक बार पास किया, देखिए जरा यहां से हुआ, यहां से जा रहा है, 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 ये ऐसा आया। अब आप मुझे बताइए, बॉडी में लौट के आने से, बॉडी से चला था और बॉडी में आने तक, समझ में आ गया, बॉडी से चला था, बॉडी से तक वापस लौट के आने तक ये हार्ट में कितनी बार एंटर हुआ, दो बार, फर्स्ट सेकेंड। तो इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, इसको हम क्या बोलते थे, डबल सर्कुलेशन, समझ में आ गया। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, यहां पर टिश्यू से ब्लड चला, क्या हुआ, टिश्यू से ब्लड चला, ये चला, ये चला, ये चला, अब ये हार्ट में आया, फिर वापस टिश्यू में आ गया। तो टिश्यू में वापस आने तक आप मुझे बताओ जरा, ये हार्ट में से कितनी बार गया, हार्ट में से ये केवल और केवल एक बार गया। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, एस शेप, सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट का शेप कैसा है, एस शेप, और इसमें सर्कुलेशन कैसा होगा, सिंगल सर्कुलेशन,
कैसा सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन। पूरा क्लियर हो गया, कैसा सर्कुलेशन होगा इसके अंदर, सिंगल सर्कुलेशन। तो जल्दी से आप मुझे बताइए इसका हार्ट कैसा हार्ट होता है, वीनस हार्ट। कई बार क्वेश्चन आ चुका है वीनस हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, टू चैम्बर्ड। अब आप मुझे बताइए एक ऑरिकल होगा एक वेंट्रिकल होगा, फिर आप मुझे बताइए इसका शेप कैसा है, एस शेप। सर्कुलेशन कैसा है, सिंगल सर्कुलेशन। पहले इसको एक बार आप देख लो, समझ में आ गया, बिल्कुल आराम से आप इसको देख लो, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लो। कोई डाउट हो तो फटाफट आप पोस्ट कर दो, बता दो आप डाउट आए तो। तो आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया कि बॉडी से चला और बॉडी तक आया, मतलब जैसे आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आप अपने घर से निकले और घर में लौट के आए, लेकिन इस बीच में आप कितनी बार, सपोज करो एमपी नगर है, आप घर से चले, आप एक बार एमपी नगर में गए, फिर उसके बाद आप कहीं और चले गए, फिर आप एमपी नगर में आए और फिर आप लौट के घर आ गए। इसका मतलब घर से चलते ही और घर से वापस आते तक के बीच में आप एमपी नगर को कितनी बार इंटर हुए, दो बार, तो ये कहलाएगा डबल सर्कुलेशन। लेकिन यदि आप एक बार इंटर हुए तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल सर्कुलेशन। किसी को इसमें डाउट आ रहा है तो पूछो, सर टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों निकल रहा है? अरे देवी जी, टिश्यू के अंदर क्या होगा आप मुझे बताइए, रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में तो ऑक्सीजन नहीं लगती, फिर क्या होगी, क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल उसमें तो ऑक्सीजन लगती है, उसके बाद क्या होगा, ईटीएस, उसमें ऑक्सीजन लगती है। तो जब वो टिश्यू ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, जैसे आप मुझे बताइए हमारे टिश्यू से क्या निकलता है, CO2 ही तो निकलती है, समझ में आ गया, इसीलिए यहां पर निकल रही है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कर दूं इसको क्लीन। किसी को डाउट हो तो फटाफट बताओ। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, मुझे याद नहीं है, आप देख लेना। अब आप मुझे बताइए जरा, नेक्स्ट पॉइंट का नंबर याद नहीं है। देखिए अब इसमें क्या होती है, आइस प्रेजेंट होती है, समझ में आ गया। क्या होती है, आइस तो प्रेजेंट होती है, आपने देखा है मछलियों में, बट आई लिड एबसेंट होती है। क्या एबसेंट होती है, आई लिड एबसेंट होती है। अब आप मुझे बताइए आईलिड का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ आई। अब बड़ी समस्या आ गई, आई तो है बट उसको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, समझ में आ गया। तो यहां पर हम क्या करें, कोई और स्ट्रक्चर बनाए। वेरी गुड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। समझ में आ गया, क्या प्रेजेंट होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या प्रेजेंट होती है इसमें, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या फंक्शन होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्शन ऑफ आइस। क्या करेगी ये, आइस को प्रोटेक्शन करेगी, कैसे, बाय ल्यूब्रिकेट इट। उसको क्या करेगी, ये ल्यूब्रिकेट करेगी, समझ में आ गया। जैसे हमारी आईलिड है, ये क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, बट आईलिड तो यहां पर है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट होगी, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात बोलते हैं, आई प्रेजेंट है। अब कान, किसी ने मछली के कान देखे हैं क्या, नहीं होते, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ईयर एब्सेंट, समझ में आ गया। और ईयर के लिए एक वर्ड आता है, आप मुझे बताइए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहां पर प्रेजेंट थी, ईयर में। तो ईयर का को हम बोलते हैं टिम्पैनम, क्या बोल देंगे, टिम्पैनम, टिम्पैनम एब्सेंट।
इसका मतलब आप मुझे बताइए, इसमें कान क्या होंगे एब्सेंट, तो इन दोनों पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ। समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईज प्रेजेंट बट आईलिड एब्सेंट, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछो, हो गया। चलो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन देख लिया हमने, सर्कुलेशन देख लिया हमने हार्ट का, ये सभी जितनी भी फिश हैं, चाहे वो ऑस्टिक फिश हो, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिश हो, चाहे वो बोनी फिश हो, सब में ये होगा, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, ऑल फिशेस आर अमोनोटेलिक एक्सेप्ट, यहां पर भी एक्सेप्शन आ गया, समझ में आ गया, एक्सेप्ट शार्क, क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट शार्क। शार्क जो होती है वो क्या होती है, यूरियोटेलिक। इसका मतलब आपको पता है, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया, यूरियोटेलिक मतलब यूरिया, क्या होगा, यूरिया। तो शार्क के अलावा जितनी भी मछलियां होती हैं, मैक्सिमम मछलियां आप मुझे बताइए कैसी होती है, अमोनोटेलिक। पूरा क्लियर हो गया, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सभी मछलियों में सेक्स क्या होते हैं, सेपरेट, मतलब बायसेक्सुअल नहीं होती मछलियां, तो आप मुझे बताइए सेक्स क्या होगा, सेपरेट, चाहे वो बोनी फिश हो, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिश हो। अब आप जरा ध्यान देना, अब मछली पानी में रहेगी तो वो ठंडी रहेगी या गर्म रहेगी, ऑब्वियसली ठंडी रहेगी, ऐसे समझ सकते हो। तो उसका खून कैसा होगा, कोल्ड ब्लडेड होगा या हॉट ब्लडेड, अब जरा इसका कॉन्सेप्ट समझना। जैसे हमारी बॉडी है, समझ में आ गया, तो बाहर के कंपेयर में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है जनरली, समझ में आया, तो हम कैसे होंगे, हॉट ब्लडेड एनिमल। लेकिन जो फिश होती है वो क्या होती है, बाहर के कंपेयर में उसके ब्लड का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तो ये कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कैसे होंगे आप मुझे बताइए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और इसके लिए एक वर्ड आता है, कौन सा, पॉइकिलोथर्म। पाव किलो थर्म मत समझना, पाव किलो और थर्म, समझ में आ गया, पाव भी है, किलो भी है और थर्म भी है, क्लियर है। तो इसको पॉइकिलोथर्म बोलते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, अंदर का टेम्परेचर क्या है, कम है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। सभी को समझ में आ गया, तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट पूछो। ये हमने इसके सारे जो है वो जनरल फीचर्स किसके पढ़ लिए, फिश के पढ़ लिए, समझ में आ गया। तो फिश के जनरल फीचर्स फटाफट आप मुझे बताओ, सभी क्या होंगी, एक्वेटिक। सभी की बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन। सभी की बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन। सभी में क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स, एक्सेप्ट कैटफिश एंड इलेक्ट्रिक फिश, समझ में आ गया, एक्सेप्ट कैटफिश एंड इलेक्ट्रिक फिश। उसके बाद आप मुझे बताइए हार्ट कैसा होगा, टू चैम्बर्ड हार्ट। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। तो हम कौन सा ब्लड इस कौन सा हार्ट बोलेंगे, वीनस हार्ट। शेप कैसा था, एस, कैसा शेप था आप मुझे बताइए, एस। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। चलो अब एक थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं जो हमको वहां पर भी काम आएगा, समझ में आ गया, सर्कुलेशन में भी जो है वो सारी चीजें इसकी काम आएंगी। हम देख लेते हैं इसमें पोर्टल सर्कुलेशन, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, समझ में आ गया पोर्टल सर्कुलेशन का क्या होता है, मैं आपको एक बार और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए सारी नदियां जो है, जैसे नर्मदा नदी है, ठीक है, अब नर्मदा नदी क्या होती है, गुजरात में जाके सागर से ओशियन से जाके मिल जाती है, क्लियर है। जैसे मान लो यहां पर मैं बना रहा हूं अमरकंटक, क्या बना दिया, यहां पर हम लिख लेते हैं, चलो ये हमने लिख दिया अमरकंटक, क्लियर हो गया, क्या लिख दिया हमने, अमरकंटक। इस अमरकंटक से क्या निकली आप मुझे बताइए जरा, नर्मदा रिवर। क्या लिख लिया आप मुझे बताइए जरा, नर्मदा नदी हमने यहां पर लिख दिया, क्या निकली आप मुझे बताइए, नर्मदा नदी, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए जरा, ये जो नदी है ये अल्टीमेटली कहां पर जाके गिरेगी, ये मान लीजिए हमने बनाया हुआ है सागर, क्या बनाया हुआ हमने, सागर, ओशियन में जाके ये क्या है मिल रही है, खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है, तो यहां पर हमने क्या बोल दिया, ओशियन, क्या बोल दिया हमने, ओशियन, ये हमने बना दिया सागर, ये इसमें जाके मिल रही है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए जरा, कोई और रिवर है मान लीजिए, वो रिवर भी यहां पर जाके मिल रही है, ये कोई और दूसरी रिवर है, सपोज करो इस रिवर का नाम क्या हो गया, एक्स, ये भी यहां पर मिल रही है,
पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अब क्या हो, जैसे मान लीजिए हम कौन सी, मान लो एक तवा नदी है, समझ में आ गया। मैं इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आसपास ही है, होशंगाबाद में तवा नदी जाती है। अब मान लीजिए ये जो तवा नदी है, अब ये कोई भी रिवर का क्या काम है आप मुझे बताइए, कहां पर जाके मिलना है, सागर में जाके मिलना है। लेकिन ये डायरेक्ट सागर में ना मिलके ये कहां पर मिल जाए, नर्मदा रिवर में जाके मिल जाए। कहां पर मिल जाए आप मुझे बताइए जरा, नर्मदा रिवर में जाके मिल जाए। और नर्मदा रिवर के साथ में अब जाके कहां पर मिले, सागर में मिले। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन, समझ में आ गया। ऐसे मान लीजिए बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, वो एक जगह पर आके मिल गई, तो जिसमें जाके मिल रही है वो पोर्टल सर्कुलेशन कहलाएगा। अब जैसे अब इसको आप समझिए, मान लीजिए ये क्या है, हमारे ऑर्गन, क्या हो गए ऑर्गन, इससे क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है, इससे ब्लड आ रहा है। यहां से भी आप मुझे बताइए क्या है, ब्लड आ रहा है। अब मान लीजिए यहां पर जो, जहां पर ये मिल रहे हैं, इस ऑर्गन का नाम सपोज करिए, इस और ये ऑर्गन है लीवर। कौन सा ऑर्गन है, लीवर। तो इसका मतलब अब लीवर जो है इस सारे ब्लड को कहां लेकर जा रहा है, यहां पर मान लीजिए हार्ट में लेकर जा रहा है लीवर ये, या फिर हम बोल देते हैं इंफीरियर वेना केवा में लेकर जा रहा है। समझ में आ गया, जो वेन्स होती है जो नीचे से पूरे बॉडी के, बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती है, वो इंफीरियर वेना केवा, ऊपर के सबको कलेक्ट करती है सुपीरियर वेना केवा। समझ में आ गया, तो ये कहलाएगा हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा, लीवर को हम क्या बोल देते हैं, हेपेटिक, तो इसको हम बोल देंगे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। समझ में आ गया। अब मान लो लीवर की जगह ऐसा काम हो जाए किसमें, किडनी में, तो ये क्या कहलाएगा, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। समझ में आ गया, तो पोर्टल सर्कुलेशन क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। किसी को डाउट आए तो फटाफट पूछ लो। तो आप मुझे बताओ जरा कि किसी को भी हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और रीनल पोर्टल सर्कुलेशन में डाउट आए, किसी को डाउट है तो पूछो, जल्दी से पूछो। किसी को डाउट तो नहीं है, चलो ये पूरा क्लियर हो गया। तो पाइसिस जो होती है, मछलियां जो होती हैं, उसमें दोनों टाइप के पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं, दे हैव रीनल पोर्टल सर्कुलेशन एज वेल एज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। समझ में आ गया, तो आप मुझे बताइए जरा, पाइसिस हैज बोथ द टाइप ऑफ सर्कुलेशन, कौन कौन से होंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन एज वेल एज रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। क्लियर हो गया, चलो फटाफट आप मुझे बताओ पहला पॉइंट क्या था, ऑल आर एक्वेटिक, क्लियर है। फिर आप मुझे बताइए इनकी बॉडी कैसी थी, स्ट्रीमलाइन, कैसी बॉडी थी, स्ट्रीमलाइन। तीसरा पॉइंट, इनमें क्या प्रेजेंट था, गिल्स। चौथा पॉइंट, इसमें जो हर्ट था वो कैसा था, टू चेम्बर था, कैसा था, एस शेप था, सिंगल सर्कुलेशन था, वीनस हर्ट था। समझ में आ गया। फिर आप मुझे बताइए हमने क्या देखा था, आईज, आईज प्रेजेंट होती है, बट आईलिड क्या होती है आप मुझे बताओ, एब्सेंट। उसकी जगह क्या प्रेजेंट होगी, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होगी, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। टिम्पैनम, टिम्पैनम मतलब कान, टिम्पैनम क्या था, एब्सेंट। फिर आप मुझे बताइए सेक्स कैसे थे इसमें, सेपरेट, मतलब ये यूनिसेक्सुअल है। फिर ये कैसे ब्लडेड एनिमल है आप मुझे बताओ, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब पॉइकिलोथर्म, कैसे हो जाएंगे, पॉइकिलोथर्म। तो इतने पॉइंट एक बार जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में बिना देखे लिखो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत सिंपल देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जनरल फीचर ऑफ पाइसिस। कैसे क्वेश्चन देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जनरल फीचर ऑफ पाइसिस। सभी को समझ में आ गया, किसी को इसमें कोई डाउट आ रहा है तो फटाफट पूछो। जल्दी से आप इसको लिखो। कर दो क्लीन। किसी को डाउट है तो पूछ लो।
हो गया। चलो अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले जरा हम इसके स्केल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्केल्स क्या होते हैं, समझ में आ गया क्या होते हैं स्केल्स, उसको जरा हम देख लेते हैं। देख लें तो देखो, स्केल होता है स्मॉल रिजिड, कड़ा होता है, उसको जरा छू के देखना, समझ में आ गया। स्मॉल रिजिड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्केल्स। समझ में आ गया क्या बोलेंगे हम, स्केल्स। अब ये कहां से डिराइव होता है, डिराइव फ्रॉम या अराइज फ्रॉम एपिडर्मिस या फिर डर्मिस। क्लियर हो गया, एपिडर्मिस या फिर डर्मिस, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। या तो ये एपिडर्मिस से अराइज होते हैं या फिर ये कहां से अराइज होते हैं, डर्मिस से अराइज होते हैं। अब आप मुझे बताइए जरा स्केल्स। अब आप बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। नहीं है बेटा, बट ये स्केल तो इनका मेन फीचर है, यदि स्केल होंगे नहीं तो फिश कहलाएगी ही नहीं, समझ में आ गया। तो इसीलिए हमको स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके नाम दिए हुए हैं, प्लैकॉइड स्केल दिया हुआ है, टीनॉइड स्केल दिया हुआ है, साइक्लॉइड दिया हुआ है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब उसके बारे में है, तभी तो उन्होंने एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। अब आप मुझे बताइए स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट हमने कहां पर देखा था, मुझे तो एक्सेप्ट हम देख चुके हैं। अब ये जो स्केल है इसके फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे। पहला फंक्शन होगा इसका कैमोफ्लाज, समझ में आ गया। ब्लेंड विद द सराउंडिंग, मिक्स विद द सराउंडिंग, सब सराउंडिंग में मिक्स होने में काम आएगा। फिर आप मुझे बताइए जरा दूसरा ये किस में काम करेगा, हाइड्रोडायनेमिक्स में, किस में मदद करेगा, हाइड्रोडायनेमिक्स में। इतना क्लियर हो गया, किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ। फिर हम इसके चार टाइप के जो है वो स्केल्स हम देखते हैं, कर दूं इसको क्लीन। स्केल्स जो है वो चार टाइप के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन हमको एटलीस्ट चार टाइप्स के पढ़ने हैं, समझ में आ गया। तीन टाइप्स के जो स्केल हैं वो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं, तो एटलीस्ट हम चार टाइप के तो जो है वो पढ़ ही ले, समझ में आ गया। सबसे पहला स्केल होता है प्लैकॉइड स्केल, कैसा होगा, प्लैकॉइड स्केल, किसी को डाउट है, सबसे पहला कैसा होगा प्लैकॉइड, किसी को डाउट हो तो पूछ लो भैया जल्दी से, कैसा होगा प्लैकॉइड स्केल। अब देखो ये जो प्लैकॉइड स्केल होता है, आपने भगवान शंकर का त्रिशूल देखा है, ट्राइडेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्राइडेंट। तो इसका जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है, ट्राइडेंट लाइक, कैसा होता है, ट्राइडेंट लाइक। अब आप बोलोगे कि आखिर ये होते कहाँ हैं, समझना जरा इसको, ये भी मैं आपको बता देता हूं, पहले ये बता देता हूं वरना आपको इसमें डाउट आएगा। मान लो ये हमने बनाई मछली, ये हमने इस तरीके से क्या बना दिया, यहां पर मछली बना दी, समझ में आ गया, हमने इसकी आंख बना दी। अब देखिए जरा जो भी स्केल है वो यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से, समझ में आ गया। इस तरीके से क्या होंगे, यहां पर बहुत सारे जो है वो क्या होंगे, स्केल होंगे इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड प्लैकॉइड स्केल, कैसे स्केल्स कहलाते हैं आप मुझे बताइए जरा, प्लैकॉइड स्केल। पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को। तो इसका शेप कैसा होगा आप मुझे बताइए जरा, इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या होता है, इसका शेप होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्लैकॉइड स्केल। ये इस तरीके से होता है और इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी सी ऐसी लाइनें दिखती हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मछलियों में आपने देखा होगा, तो ये जो प्लेट है इसमें इस तरीके से क्या होती हैं, छोटी छोटी लाइनें होती हैं। सौरभ देखना वो बंद ना हो जाए, इस तरीके से आप मुझे बताइए इसमें क्या होती हैं, पूरे में लाइंस होती हैं। तो इस टाइप के स्केल आप मुझे बताइए क्या कहलाते हैं, प्लैकॉइड स्केल, क्या कहलाते हैं, प्लैकॉइड स्केल। पूरा क्लियर हो गया, किस में प्रेजेंट होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। आप मुझे बताओ, आपने अपने मोलर टीथ देखे पीछे वाले, उनका शेप भी कुछ ऐसे ही होता है,
समझ में आ गया। तो ये जो प्लेकोइड स्केल होते हैं दे कैन ऑल्सो फॉर्म टीथ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं? टीथ लाइक स्ट्रक्चर। ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझ में आ गया। और यदि इसका स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा तो आपके ये समझ में आएगा ही नहीं। पूरा क्लियर हुआ? समझ में आ गया सभी को? पूरा क्लियर हुआ? चलिए अब मैं आपको जो एनसीईआरटी में दो और दिए हुए हैं पहले उसके बारे में बता देता हूं। एक होता है टीनॉइड। कौन सा होता है? टीनॉइड। और एक होता है साइक्लॉइड। क्या होगा? टीनॉइड। अब टीनॉइड का मतलब क्या होता है? कॉम्ब। क्या मतलब होता है? कॉम्ब मतलब कंघी। समझ में आ गया? क्या मतलब होता है कंघी? ये जो है ये कुछ इस तरीके से होते हैं, इसका जो शेप होता है वो कुछ कंघी जैसा होता है, समझ में आ गया। तो ये टीनॉइड स्केल जो है वो आप मुझे बताइए कैसे दिखाई देंगे? कंघी जैसे। अरे भाई पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? समझ में आ रहा है? लिख के भेजो जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड जो स्केल होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, उसमें ऐसे सर्कुलर ऐसे ये बना हुआ होता है। तो साइक्लॉइड मतलब सर्कल। साइक्लॉइड मतलब क्या हो जाएगा? सर्कल। साइक्लॉइड मतलब क्या हो जाएगा? सर्कल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दिस इज प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिश, दीज टू आर प्रेजेंट इन बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश। पूरा क्लियर हो गया? अब जो एक अलग टाइप का है गैनॉइड, क्या हो जाएगा? गैनॉइड। ये गैनॉइड टाइप क्या कैसा होता है इसको समझना। आपने बोन का कभी यदि ट्रांसफर सेक्शन देखा हो पिछले जन्म में, ये इस तरीके से बोन्स में दिखाई देते हैं। तो बोन में ये जो इस तरीके से डॉट डॉट दिखाई दे रहा है क्या होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड लैक्यूना। क्या कहलाता है? लैक्यूना। और इस लैक्यूना से इस तरीके से कैनाल निकली होती है। दिस कैनाल, दिस कैनाल्स आर कॉल्ड कैनालिकुली। क्या कहलाती है? कैनालिकुली। समझ में आ गया? जैसे मान लो एक हमने सिंपल सा ये बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? लैक्यूना। क्या होता है लैक्यूना मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये इस तरीके से हमने बना दी तो ये क्या हो जाएंगी उसकी कैनाल? कैनालिकुली। इस तरीके से स्केल्स भी होते हैं और ऐसे स्केल्स को हम क्या बोलते हैं? गैनॉइड स्केल। क्या बोल देते हैं? गैनॉइड स्केल। पूरा क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट पूछो। सभी को क्लियर है तो एक काम करो जरा जल्दी से इनके नाम बताओ। प्लेकॉइड, गैनॉइड, टीनॉइड, साइक्लॉइड। दिस वन इज प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश। दीज थ्री आर प्रेजेंट इन बोनी फिश। किस में प्रेजेंट होंगे? बोनी फिश में प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया? कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश क्या होती है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले बस आपको इतना समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? क्योंकि ये वाला और वो दो, इनके बारे में एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। समझ में आ गया? जिसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताओ कार्टिलेजिनस फिश में टीथ कौन बनाएगा? प्लेकॉइड स्केल। ये क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आ गया? टीथ कौन बनाता है? प्लेकॉइड स्केल। पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से रिवाइज कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट हो तो फटाफट पूछो फिर हम आगे देखते हैं। तो आप मुझे बताइए, अभी हमने इसकी दो क्लासेस देखी थी, समझ में आ गया? पहली क्लास हमने क्या देखी थी? कॉन्ड्रिक्थीस। दूसरी हमने क्या देखी थी? ऑस्टिक थीस।
कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज। अब जरा इसका मतलब समझना, समझ में आ गया। कॉन्ड्रिक वर्ड का मतलब होता है कार्टिलेज। क्या मतलब होता है? कार्टिलेज। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ। और ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? बोन। क्या मतलब होता है? बोन। क्लियर है? ऑस्ट्रिक का मतलब क्या होगा? आपने सुना ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन। कॉन्ड्रिक, कॉन्ड्रिक का मतलब क्या होगा? कार्टिलेज। तो जरा ध्यान से समझना, इसका जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन मतलब हमारी हड्डी वगैरह, पहला पॉइंट एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन किससे बना होगा? कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज। तो इनको हम कौन सी आप मुझे बताओ फिश बोलेंगे? कार्टिलेजनस फिश। क्या बोलेंगे? कार्टिलेजनस फिश। यहां पर आप मुझे बताइए कौन से, किससे बना होगा एंडोस्केलेटन? एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ बोन। तो इसको हम कौन सा, आप मुझे बताओ, वो फिश बोलेंगे? बोनी फिश। क्या बोलेंगे? बोनी फिश। और इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेजनस फिश। हो गया पूरा क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब एक और पॉइंट देखो, सी फॉर कार्टिलेज एंड सी फॉर कॉन्स्टेंट। समझना जरा, सी फॉर कार्टिलेज एंड सी फॉर कॉन्स्टेंट। अब देखो, इनको कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ता है पूरे टाइम। समझ में आ गया? रीजन क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि इनके पास, जैसे आप सपोज करना, मान लीजिए दो लोग हैं, मैंने दो लोगों को क्या किया, पानी में फेंक दिया। क्या कर दिया? पानी में फेंक दिया, गहरे पानी में फेंक दिया। एक को मैंने लाइफ जैकेट जो है वो पहना दी, लाइफ जैकेट में हवा होती है, एयर भरी हुई होती है, और दूसरे को बिना लाइफ जैकेट के फेंक दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, जिसके पास लाइफ जैकेट नहीं है उसको पूरे टाइम तैरना पड़ेगा? यदि वो नहीं तैरेगा तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन दूसरी तरफ जो है उसको कॉन्स्टेंटली तैरना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट है? एयर बलून प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एयर बलून या फिर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो यहां से दूसरा पॉइंट आता है, आप मुझे बताइए, एयर ब्लैडर एब्सेंट, सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंट to avoid sinking। समझ में आ गया? डूबने से बचने के लिए C for cartilage, C for constant swimmer। समझ में आ गया? C for cartilage, C for हम क्या बोल देंगे? constant swimmer, constant swimmer। समझ में आ गया? C for cartilage, C for constant swimmer। ऐसा क्यों है बताइए जरा? because they do not have, they do not have air bladder। समझ में आ गया? तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएंगी? डूब जाएंगी। मछलियां भी हैं, वो क्या हो जाएंगी? डूब जाएंगी। समझ में आ गया? बट इनमें क्या प्रेजेंट है? तो इसको हम सेकेंड पॉइंट बोल दें, इसका ये हम बोल देते हैं सेकेंड पॉइंट। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? दे हैव, बताओ जरा, एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर प्रेजेंट, नो नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली, नो नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली। इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, अब ये कहां पर मिलती है? समझ में आ गया? अब देखो, ये जो है ये केवल और केवल मैरीन होती है, केवल और केवल मैरीन। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ऑल आर मैरीन। समझ में आ गया? ऑल आर मैरीन, क्लियर है? बट यहां पर ये क्या होंगी? मैरीन प्लस फ्रेश वाटर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक इसी पॉइंट के ऊपर आए, फ्रेश वाटर फिश का नाम रोहू, कैटला, मगूर। बताओ जरा क्या नाम होगा? फिर से बताओ, रोहू, कैटला, मगूर। जल्दी से याद कर लो, फ्रेश वाटर फिश के नाम क्या है यहां पर? जल्दी से बताओ, रोहू, कैटला, मगूर। जल्दी बताओ, रोहू, कैटला, मगूर। मैंने फोटो भेजी है, देख लेना एक बार उसको। तो मैरीन है, साथ में फ्रेश वाटर भी है। पूरा क्लियर हुआ? तो जल्दी से इनमें डिफरेंस बताओ। कॉन्ड्रिक्थीस कार्टिलेज की बनी हुई है, ऑस्ट्रिक्थीस बोन की बनी हुई है। उनका एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है? बोन से। इसमें आप मुझे बताओ, दे हैव सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर कॉन्स्टेंट स्विमर, दे आर नॉट, नो कॉन्स्टेंट स्विमर ये नहीं होते।
क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता, उसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। फिर इसमें आप मुझे बताओ जरा, मैरीन होती हैं सभी की सभी, कैसी होती हैं मैरीन, बट वो कैसी होती है मैरीन प्लस फ्रेश वाटर। अब जरा हम इसकी स्पीसीज देख लेते हैं। इसकी स्पीसीज का नंबर होता है 600, समझ में आ गया, और इसकी स्पीसीज का नंबर होता है 25,000। कितना होता है 25,600 स्पीसीज, 25,000 स्पीसीज, इतनी स्पीसीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो यदि किसी को कोई डाउट आ रहा है तो फटाफट बताओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे के पॉइंट्स। हो गया, समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट है और है? ठीक है, अब देखो जरा, अब हम बनाते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने एक फिश बना दी, ये इस तरीके से मैंने क्या बना दी, एक फिश बना दी। अब आप मुझे बताओ ये इसकी कौन सी सरफेस है, डॉर्सल, ये इसकी कौन सी सरफेस है, वेंट्रल। समझ में आ गया कौन सी सरफेस है, वेंट्रल। अब आप देखना जरा, यदि इसका जो माउथ है, समझना जरा, यदि इसका माउथ मैंने यहां पर बना दिया, कहां पर बना दिया, वेंट्रल सरफेस पे, तो नाक भी आप मुझे बताइए जरा कहां पर प्रेजेंट होगी, वेंट्रल सरफेस पे। माउथ एंड नोज बोथ आर प्रेजेंट वेंट्रली, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, माउथ एंड नोज बोथ आर प्रेजेंट वेंट्रली। तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या हो जाएगा, माउथ, और ये क्या हो जाएगी, नोज। नोस कहां पे प्रेजेंट है, वेंट्रल। अब दूसरी तरफ मान लो मैं यहां पर बनाता हूं, सपोज करो मैं इस तरीके से मैंने बनाया। अब माउथ जो है वो बिल्कुल टर्मिनल है, समझ में आ गया, माउथ कहां है, बिल्कुल टर्मिनल, समझ में आ गया। यहां पर तो देखो नीचे तरफ था, कहां पर था, नीचे तरफ था। जैसे मान लो हम इस तरीके से हैं तो ये हमारी वेंट्रल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है। अब मान लो माउथ हमारा कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, तो नाक भी कहां पे प्रेजेंट है, वेंट्रल पे। लेकिन मान लो माउथ होता यहां पर, माउथ होता यहां पर, तो नोज या तो ऊपर होती या नीचे होती, समझ में आ गया। तो यहां पर जो नोज है वो कहां होती है, ऊपर। तो इसका मतलब माउथ जो है वो कैसा होगा, टर्मिनल। बताओ जरा माउथ कैसा होगा, टर्मिनल, और नोज कैसी होगी, डॉर्सल। कैसी होगी, डॉर्सल। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसी को इसमें डाउट हो तो पूछो। तो इतने पॉइंट जो है आप जल्दी से इसको देख लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, स्केलेटन, एंडोस्केलेटन। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, समझ में आ गया। एंडोस्केलेटन, मैरीन स्पीसीज वाला मैंने ऐड कर दिया आपके समझने के लिए, जिससे डाइवर्सिटी में जो बायोडाइवर्सिटी वाला है उसमें ये काम आ जाता है ये वाला पॉइंट। इसका माउथ कहाँ होगा, वेंट्रली। नोज भी कहाँ पर होगी, वेंट्रली, समझ में आ गया। बट उसमें कहाँ होगा, टर्मिनल, और नोज कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। हो गया पूरा क्लियर, कर दूं इसको क्लीन। तो अब कौन सा पॉइंट आएगा, 6। चलिए अब 6 पॉइंट की हम बात करते हैं, गिल्स। क्लियर हो गया। अब देखिए गिल्स में यहां पर होते हैं 5 to 7 पेयर। क्या होते हैं, 5 to 7 पेयर। बट यहां पर कितने होते हैं आप मुझे बताइए, गिल्स 4 पेयर। कितने होंगे आप मुझे बताइए, 4 पेयर। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट गिल्स रिलेटेड, मैंने आपको एक फोटो भेजी थी, आप जरा उसको ध्यान से देखना। सपोज करिए इस तरीके से यहां पर क्या बना हुआ है, ये गिल्स है। क्या है, ये गिल्स है।
पूरा क्लियर हो गया। यहां पर भी मैं बना देता हूं, मान लो ये मैंने क्या बना दिया, गिल्स। ये क्या है जल्दी से बताइए, गिल्स। ये भी क्या है यहां पर आप मुझे बताइए, गिल्स। क्लियर है? तो अब आप जरा ध्यान देना, यहां पर जो गिल्स होते हैं, गिल्स गड्ढा होता है, बिल्कुल समझ लीजिए ये क्या है, गड्ढा। तो ये जो गड्ढा है, ये जो दरवाजा है, ये ऐसा का ऐसा ओपन है, मतलब गिल्स आर एक्सपोज्ड पूरी तरीके से, कैसे है, एक्सपोज्ड है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर ये जो गिल्स है, इसको कवर करने के लिए इस तरीके से कवरिंग होती है, जिसको कवर कर लेती है। समझ में आ गया? दिस कवरिंग, ये जो इसका दरवाजे टाइप का है, दिस इज कॉल्ड ऑपरक्यूलम। क्या हो जाएगा ये? ऑपरक्यूलम। तो इसका मतलब यहां पर ऑपरक्यूलम एब्सेंट है, वहां पर ऑपरक्यूलम प्रेजेंट है। तो ऑपरक्यूलम क्या है आप मुझे बताइए, कवर करेगा गिल्स को। जैसे मान लो आप इस तरीके से देखना, ये मान लो गिल्स है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ऑपरक्यूलम। तो इनमें ऑपरक्यूलम नहीं है, इनमें ऑपरक्यूलम प्रेजेंट है। सभी को समझ में आ गया? इसमें ऑपरक्यूलम नहीं है, इसमें ऑपरक्यूलम प्रेजेंट है। किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो। तो यहां पर हम क्या पॉइंट लिखेंगे, गिल्स आर एक्सपोज्ड। यहां पर हम क्या लिखेंगे, गिल्स आर नॉट एक्सपोज्ड। समझ में आ गया? यहां पर हम क्या बोलेंगे, ऑपरक्यूलम। आप एनसीईआरटी खोल के देखिए, सारे पॉइंट दिए हुए हैं, ऑपरक्यूलम एब्सेंट। इसका भी एक एक्सेप्शन है, काइमेरा। समझ में आ गया? एक मछली होती है काइमेरा, कार्टिलेजनस फिश होती है, बट उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? यहां पर क्या होगा, ऑपरक्यूलम प्रेजेंट। पूरा क्लियर हो गया? तो गिल्स से रिलेटेड दो पॉइंट बताओ, 5 to 7 पेयर गिल प्रेजेंट होंगे, यहां पर ओनली 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होंगे। यहां पर जो गिल्स हैं वो क्या होंगे, वेल एक्सपोज्ड होंगे, बट यहां पर वेल एक्सपोज्ड नहीं होंगे, वो कवर होंगे। फिर से आप समझिए, ये मान लीजिए गिल्स है, तो ये गिल्स यहां पर इस तरीके से गिल्स है, लेकिन यहां पर जो गिल्स है ये इस तरीके से कवर हो रहा है। तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑपरक्यूलम, बट यहां पर ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हो गया, कर दूं क्लीन? चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, स्केल्स के बारे में। कौन सा पॉइंट देखते हैं, स्केल्स के बारे में। हम लोग इसको पूरा रिवाइज करेंगे। स्केल्स, यहां पर स्केल होता है प्लैकोइड। कौन सा स्केल होता है, प्लैकोइड। यहां पर कौन से स्केल होते हैं आप मुझे बताइए जरा, यहां पर साइक्लॉइड और टीनॉइड। समझ में आ गया, साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड्स, इसके फंक्शन आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं टीथ। बताओ जरा कौन होगा, तो टीथ आर कंपोज्ड ऑफ प्लैकोइड स्केल, बट यहां पर एक्चुअल टीथ आर प्रेजेंट। ट्रू, यहां पर हम बोल सकते हैं टीथ लाइक स्ट्रक्चर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर आर कंपोज्ड ऑफ प्लैकोइड स्केल, बट यहां पर ट्रू टीथ आर प्रेजेंट। ट्रू टीथ आर प्रेजेंट, अभी मैं आपको याद करा दूंगा ये सारे पॉइंट। समझ में आ गया? अब हम नाइन्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्लियर है? नाइन्थ पॉइंट आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। क्या देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, और यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल। क्यों होगा, अभी मैं आपको बताता हूं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? किसी को इसमें डाउट हो, किसी को कोई डाउट तो नहीं आया, ठीक है। अब आप देखना जरा, इसके अंदर आती है शार्क। समझ में आ गया? तो इनमें, अब जैसे मान लीजिए ह्यूमन में, तो आप मुझे बताइए ह्यूमन में मेल में क्या प्रेजेंट होता है, पेनिस। समझ में आ गया? तो यहां पर पेनिस जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लास्पर। क्या बोलते हैं, क्लास्पर। फिर से बताओ, सी फॉर कॉन्ड्रिक्टिस, सी फॉर क्लास्पर।
सी फॉर कॉन्ट्रैक्टीज, सी फॉर क्लास्पर. तो क्लास्पर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टीज. दे आर कॉन्स्टेंट स्विमर. दे हैव, आप मुझे बता, दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. दे आर कॉन्स्टेंट स्विमर. दे हैव क्लास्पर. तो सी से तीन पॉइंट हो गए, समझ में आ गया. अभी हम रिवाइज करेंगे. तो इसमें इंटरनल इसीलिए ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए ये मैंने इसका क्या बनाया, पेल्विक. क्या बनाया, मान लो मैंने इसका पेल्विस बनाया. पेल्विस का मतलब क्या हो गया, ये हिप रीजन बनाया. इसमें आप जरा ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से ऐसे दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पेनिस के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. दीज टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्लास्पर. क्या बोलते हैं, क्लास्पर. तो क्या प्रेजेंट है इसमें, टू क्लास्पर. अब ये क्लास्पर किसमें मदद करेंगे, हेल्प इन कॉप्यूलेशन. समझ में आ गया, इंटरकोर्स में मदद करेंगे. तो ये जो क्लास्पर है वो फीमेल की क्लोएका के अंदर जाएंगे. तो जब अंदर जाएंगे तो गैमेट्स अंदर रिलीज करेंगे या बाहर, अंदर. तो इसीलिए इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल. कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल. बट दे डू नॉट हैव क्लास्पर. दे हैव क्लास्पर. दे डू नॉट हैव क्लास्पर. समझ में आ गया. तो आप मुझे बताइए यहां पर हम क्या लिखेंगे, एब्सेंस ऑफ क्लास्पर. समझ में आ गया, एब्सेंस ऑफ क्लास्पर. समझ में आया. अब लास्ट पॉइंट, इसमें जो डेवलपमेंट है वो क्या, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, वीवी पैरस. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जनरली ओवी पैरस. क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवी पैरस. सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो भाई. स्केल्स, टीथ, फर्टिलाइजेशन, ये वीवी पैरस. हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, फटाफट इसको देख लो, फिर हम पूरे पॉइंट्स रिवाइज करते हैं. हो गया, रिवाइज करें जल्दी से. तीन पॉइंट आपको याद रहे ना कॉन्ट्रैक्टीज में, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे. समझ में आ गया. तो देखो, C फॉर कॉन्ट्रैक्टीज, C फॉर कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. आ गया समझ में. C फॉर कॉन्स्टेंट स्विमर, कॉन्स्टेंट स्विमर. रीजन, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर. आ गया समझ में. तीसरा सी से क्या हो जाएगा, क्लास्पर. और मजे की बात है, ये भी किसमें हेल्प करता है, कॉप्यूलेशन. सी फॉर कॉप्यूलेशन. तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, यहीं से एक पॉइंट निकल के आ गया. फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल. कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल. समझ में आ गया. अब आप मुझे बताइए यहां पर उसके काउंटर पार्ट में पॉइंट आप लिख लोगे, क्या काउंटर पार्ट में हो जाएंगे, कार्टिलेज की जगह बोनी. फिर आप मुझे बताइए कॉन्स्टेंट की जगह नो कॉन्स्टेंट स्विमर बिकॉज दे हैव एयर ब्लैडर. क्लास्पर एब्सेंट. तो फर्टिलाइजेशन आप मुझे बताओ यहां पर कैसा होगा, एक्सटर्नल. कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल. अब आप मुझे बताइए जरा नेक्स्ट पॉइंट, ऑल आर मैरीन. ये सभी क्या है, मैरीन. ये क्या है, मैरीन प्लस फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, रोहू प्लस कैटला प्लस मगूर. समझ में आ गया, रोहू प्लस कैटला प्लस मगूर. समझ में आ गया. फिर इसकी स्पीसीज कितनी स्पीसीज है, 600. इसकी स्पीसीज कितनी है, 25,000. कितनी स्पीसीज है, 25,000. फिर नेक्स्ट पॉइंट है गिल्स. कितने गिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, 5 to 7 पेयर. इसमें आप मुझे बताइए जरा गिल्स कितने प्रेजेंट होंगे, जल्दी से बताओ, 4 पेयर. इसमें जो गिल्स हैं वो कैसे हैं, एक्सपोज्ड. कैसे हैं, एक्सपोज्ड. यहां पर कैसे हैं, कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम. क्या हो जाएगा, कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम. समझ में आ गया. इतने पॉइंट बस आपको याद है ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे. समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. फिर आप मुझे बताइए जरा नेक्स्ट, माउथ. माउथ और नोज,
कैसी होंगी, दोनों की दोनों कैसी होंगी, वेंट्रल। बट यहां पर आप मुझे बताइए माउथ कैसा होगा टर्मिनल और नोज कैसी होगी डॉर्सल। समझ में आ गया, माउथ कैसा होगा यहां पर वेंट्रल और नोज भी कैसी होगी वेंट्रल, वहां पर माउथ होगा टर्मिनल और नोज कैसी होगी डॉर्सल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किसी को इसमें? यहां पर टीथ किससे बने हुए हैं? प्लैकॉइड। यहां पर स्केल कौन से हैं? प्लैकॉइड। कौन से स्केल हैं यहां पर? प्लैकॉइड। यहां पर कौन से स्केल हैं? साइक्लॉइड एज वेल एज प्लास्टिनॉइड। कौन से प्रेजेंट है? साइक्लॉइड एंड टिनॉइड। तो ये हमारा पूरा जो था ये कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप इसको एक बार बिना देखे एक बार जरा लिखो, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल कराता हूं। समझ में आया? कर दूं इसको क्लीन। चलो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल याद करते हैं। समझ में आ गया? ऑस्ट्रिक्थीस के मतलब बोनी फिशेस के। अभी हम देख चुके हैं फ्रेश वाटर 2018 में क्वेश्चन था फ्रेश वाटर फिश के ऊपर। समझ में आ गया फ्रेश वाटर फिश कौन सी हो जाएगी? रोहू, फिर कैटला, फिर मगूर। कौन कौन सी होगी फिर से बताओ? रोहू, कैटला, मगूर। आपने एक्वेरियम में देखा होगा कुछ स्पेशल मछलियां होती जो एक्वेरियम में दिखती। मैंने आपको उसकी फोटो भेजी है। एक होती है बेटा और एक होती है पेट्रोफाइलम। आप देखना उसमें आपको दिख जाएगी। ये जो पेट्रोफाइलम है ये बिल्कुल एंजल की तरह इस तरीके से दिखाई देती है। इस तरीके से इसकी ऐसी बॉडी होती है, ये इस तरीके से दिखाई देती है। इसका नाम क्या हो जाता है आप मुझे बताओ जरा? एंजल फिश। क्या नाम हो जाता है? एंजल फिश। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मैरीन की। देखो 25,000 स्पीसीज हैं, सबके नाम याद करने हैं क्या? समझ में आ गया? आप कर लेना, मेरा तो कोई शौक नहीं है। फिर आप मुझे बताइए इसमें क्या होता है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जिसको हम सी हॉर्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? सी हॉर्स। क्या बोल देते हैं? सी हॉर्स। फिर एग्जो सीटस। एग्जोसीटस की मैंने फोटो भेजी है, ये उड़ती हुई मछलियां होती हैं। समझ में आ गया? तो इसको हम बोल देते हैं फ्लाइंग फिश। क्या बोल देते हैं? फ्लाइंग फिश। हो गया पूरा क्लियर? समझ में आ गया? तो जरा पहले इसके एग्जांपल याद करो क्या क्या हो जाएगा। लिखो जरा जल्दी से, रोहू, कैटला, मगूर। किसी को डाउट आ रहा है जल्दी से लिखो, रोहू, कैटला, मगूर। एक्वेरियम में कौन कौन होती? बेटा एंड पेट्रोफाइलम। समझ में आ गया? फिर मरीन कौन होती? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ब्रेन में भी एक लोब था, याद आ रहा है? फिर क्या था? एक्सोसीटस। एक्सोसीटस क्या हो जाएगा? फ्लाइंग फिश, उड़ती हुई। जरा इनकी फोटो देख लेना। समझ में आ गया? अब देखो एक हम बात कर रहे हैं इसमें, इसमें हो जाएगी डॉग फिश। ये जो मगूर है, दिस मगूर इज आल्सो कॉल्ड एज कैट फिश। समझ में आ गया? तो डॉग फिश इसमें जाएगी। आप मुझे बताओ क्या डॉग और कैट एक साथ रहते हैं? यहां पर डॉग फिश जाएगी तो यहां पर कैट फिश जाएगी। सो डॉग फिश इज अ कार्टिलेजिनस फिश एंड कैट फिश इज अ बोनी फिश। समझ में आ गया? फिर से बताओ, डॉग फिश इज अ कार्टिलेजिनस फिश एंड कैट फिश इज अ बोनी फिश। फिर शॉ फिश। अब शॉ का मतलब क्या होता है? आरी। क्या होता है? आरी, अरे वो काटने वाली। देखिए इस तरीके से जो मछली है उसमें इस तरीके से ऐसा दिखाई देता है, आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखना। फिर इस तरीके से पूरी मछली बनी हुई है, तो ऐसा लग रहा है उसमें क्या प्रेजेंट है? आरी। पूरा क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? सॉफिस। पूरा क्लियर हुआ? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? चलो हो गया पूरा क्लियर? जल्दी से इतने नाम याद करो पहले, रोहू, कैटला, मगूर, बेटा, पेट्रोफाइलम, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस, डॉगफिश, सॉफिस। समझ में आ गया? कौन कौन सी? डॉगफिश और सॉफिस। फिर मैं आपको इसके बारे में, स्टिंग फिश के बारे में कुछ बताता हूं, पहले इतना करो।
हो गया। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल है, उसको एक साथ याद रखना इन दोनों को, ट्राइगोन और टॉर्पीडो। टीटी से नाम आ रहा है, ट्राइगोन टॉर्पीडो। ये जो ट्राइगोन होती है इसको हम स्टिंग फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिंग फिश। क्यों? ये इस तरीके से दिखती है, मैंने आपको इमेज भेजी है, इस तरीके से दिखाई देती है। और ये जो है ये क्या करती है, ये पॉइजनस जो है सब्सटेंस को रिलीज करती है, टॉर्पीडो करंट मारती है। समझ में आ गया? इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फिश। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फिश। पूरा क्लियर हो गया? जल्दी से इसको याद करो। हो गया? और इसमें कौन आ जाएगी? शार्क। हो गया? जल्दी से याद करो, डॉग फिश, शॉफिस, ट्राइगोन, टॉर्पीडो, शार्क। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, लिख लिया? किसी को कोई डाउट आ रहा है तो फटाक से पूछो। हम रिवाइज भी कर लिया हमने पूरा का पूरा। समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, कॉन्ट्रैक्टिस में हमने क्या देखा? कार्टिलेजनस फिश। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? इसमें कॉन्स्टेंट स्विमर। तीसरा हमने क्या देखा? क्लास्पर हेल्प इन कॉपुलेशन। तो जब क्लास्पर कॉपुलेशन में मदद करेगा तो कॉपुलेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल? इंटरनल। और इसका डेवलपमेंट कैसा होगा? वीवीपेरस। यहां पर कैसा होगा? ओवीपेरस। समझ में आ गया? यहां पर प्लैकॉइड स्केल प्रेजेंट थे, यहां पर साइक्लॉइड और क्लियर प्रेजेंट थे। यहां पर 5 to 7 पेयर गिल्स प्रेजेंट है, वहां पर 4 पेयर है। यहां पर गिल्स एक्सपोज हैं, वहां पर एक्सपोज नहीं है, वहां पर ऑपरकुलम प्रेजेंट है। पूरा क्लियर हो गया? यहां पर माउथ एंड नोज आर प्रेजेंट और वेंट्रल सरफेस, माउथ प्रेजेंट टर्मिनली और नोज कहां पे प्रेजेंट है? डॉर्सल पे। पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया? इसको जल्दी से लिख लो आज, इसको आप बढ़िया से घर जाके इसको 3-4 बार लिख के करना, क्लियर है? क्योंकि यहां से आप ये मानना कि अब जो पूरा वर्टिब्रेटा चलेगा उससे एक क्वेश्चन आएगा, बस। बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा, यूं ही खट्टे से कर लोगे। आज आपने एक दो बार इसको पढ़ लिया ना तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपको फालतू नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। समझ में आ रहा है सभी को? अब जरा रिदम वापस बना लीजिए, एग्जाम का टाइम अब पास आ रहा है। समझ में आ गया? तो एग्जैक्टली 2 मंथ बचे हुए हैं, तो उस हिसाब से हमको पूरी की पूरी पढ़ाई करनी है। पूरा क्लियर हुआ सभी को? चलो, थैंक यू।